इतने दिल जमा कर लिए आप, क्या करेंगे इन दिलों का? इसके बारे में मैं एक बात बोलूंगा कि जो बाकी के जैसे अली भाई वगैरह हैं वो बोलते थे यार, मुझे बोलते थे आगे करते थे यार तू काम बोल दे तुझे वो मना नहीं करेगी। तो घर की सारी खवातीन जो है और मैं खवातीन मैं वाकई जितनी भी थी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं खेलूंगा तो मैं तो अपने आप को मतलब चाहे वो खवातीन खड़ी हो या कोई मर्द खड़ा हो मैं तो नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि अगर सामने कोई एक फीमेल है आई नीड टू बी केयरफुल, आई नीड टू बी केयरफुल। तो जैसे नताशा अच्छी लगी, नताशा सबसे ज्यादा पावरफुल कंटेस्टेंट थी, नताशा से सब डरते थे और एज अ वजीर तो, लेकिन उन्होंने अगर मुझ पे ट्रस्ट किया तो मेरी जिम्मेदारी थी ये, और मैंने जो घर के काम किए मेरी वजीर थी, वो वजीर को अथॉरिटी थी और वजीर को अथॉरिटी दी थी बादशाह सलामत ने, तो बात उनकी थी तो मुझे उनकी बात माननी थी। तो लोगों ने लगा कि यार मैं तो उनके ऐसा चमचा बना हुआ ये बना हुआ, नहीं आप ये देखें कि आप अपनी ड्यूटी पूरी, वजीर मैं खुद भी था और मैं घर का काम अपना घर समझ के करता था। तो फिर वो यार मुझे एक चीज बड़ी एक बड़ी फनी चीज लगी थी, जब रूबा नहीं उठ रही थी ना तो नताशा ने उमर को कहा इसको उठाओ, इसको यहाँ से उठा के ले जाओ। हाँ तो मैं तो यूं मैंने कहा प्लीज यार मैं कहाँ फंस गया यार, उस वक्त जो मुझ पे गुजर रही थी ना, मैं यूं मैं ना यूं देखो मैं बोलो रूबा प्लीज यार रूबा रूबा मान लो बात यार चली जाओ प्लीज, जाकर उनको बोलो मैं नहीं जा रही, तुम जाके उनको समझाओ। अरे उनको कौन समझाए, मैंने कहा मैं नहीं कर सकता ये। तो इन सारी सिचुएशंस में ना मैं बड़ा फंसता था, लेकिन जब बात ये होती थी तो मैं कहता था भाई दिल का साफ हूँ इसलिए सबका खास हूँ। वाह 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 क्या बात कर दी, वेरी गुड।